एकीकरण कृषि संकट समेत तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। योजना के मुताबिक अलग अलग मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस आंदोलन करेगी जो 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव तक चलेगा। आंदोलनों की रूपरेखा तय करने के लिए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मंगलवार को बैठक के बाद अपने सुझाव पार्टी नेतृत्व को दे दिए हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतिम निर्णय लेंगी। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। फिलहाल रणनीतियों का खुलासा नहीं किया जा रहा। बीजेपी से लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई करार देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस जोड़ने वाली विचारधारा है और हमारी लड़ाई तोड़ने वाली विचारधारा से है। ये पूछे जाने पर कि अन्ना आंदोलन की तर्ज पर सिविल सोसाइटी के लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। बीते कुछ सालों में इस बात को लेकर कांग्रेस नेताओं की बड़ी आलोचना होती रही है कि उनका विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया तक सीमित है। इन सब के बावजूद कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी आंदोलन कमेटी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस को न केवल मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है बल्कि संघर्ष करते दिखना है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके सामने विपक्षी दलों की अगुवाई का संकट भी खड़ा हो रहा है।